अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक हेयर रेमेडी दूंगी जो कि है एलोवेरा की नेचुरल प्रोडक्ट से एक हेयर रेमेडी है। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आप लोगों को आगे आगे शेयर करूँगी। ये देखिए, मैंने ना एलोवेरा ले लिया। मैंने इसको पहले से इसके साइड पर जो होते हैं ना छिलके, वो मैंने उतार के रख लिए थे। ये देखें, सारी जो मेरे पास पीस है ना, मैं उनके सारे ऐसे उतार लिए थे और अब मैं इसको कट करूंगी। मम्मा आज शूट कर रही हैं और मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये रीजन आपको मम्मा ही बताएंगी। मैं हाथ नहीं लगाती, मुझे ना बड़ी एलर्जी होती है, चिप चिप सी जेल इसकी ना गंदी लगती है मुझे, इसलिए मैं हाथ नहीं लगाती। प्रोडक्ट है तो लगाओ आप, मेरा नहीं दिल करता इसको पकड़ने को। एक दफा इसने निकाली थी बेड पे बैठ के, खैर से वो लाइट कलर की बेडशीट थी, उसको लग गई सारी और इतना गंदा दाग बन गया, अभी तक नहीं उतरी, वो दाग नहीं उतरा अभी तक। इसको मैं कह रही हूँ नीचे बैठो, जमीन पे बैठ के उतारो, जो भी करना खुद ही करो। तो ये कर रही है, मैं तो नहीं हाथ लगाऊंगी, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। ये इस तरह के काम यही करे गंदे गंदे। शूटिंग का काम मम्मा का, आज शूटिंग मैं करूंगी। तो ये जेल निकालने लगी अंदर से, तो देखते हैं। देखे ऐसे इसका जो है ना छिलके उतारना थोड़ा मुश्किल होता है। नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं है, वो जेल आ जाती है साथ। ये देखे, चलो अब निकालो। छिलका मैंने उतार लिया, अब मैं इसको साइड पे कर दूंगी। हाँ, और ये देखे, हाँ एक तरीका ये भी है जेल को उतारने का, और एक और तरीका है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले मैं आप लोगों को ये वाला तरीका दिखा दूँ, ये वाला तरीका थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, लोग ना ये पका के भी खाते हैं एलोवेरा है? हाँ, सच्ची में लोग कहते हैं ये खानी भी चाहिए। तो मैं, लेकिन होती तो ये हेल्दी है, हेल्दी है। ये देखिए कितनी प्यारी बन गया, ऐसे ऐसे उतारनी है, लेकिन ऐसे जो है ना थोड़ी नीचे रह जाएगी। हाँ। दूसरा तरीका मैं आपको आसान वाला और सही वाला तरीका दिखाती हूँ क्या है। हमने ना पौधा भी लिया हुआ है ना एलोवेरा का, वो जब बड़ा हुआ उस पौधे का नहीं नहीं, हाँ ये उसकी नहीं, ये हमें ना ये हमसायों ने दी है, वो कह रही हमारे पौधों में से ज्यादा हो गई, ले लो, जब हमारा पौधा बड़ा हो जाएगा फिर हम अपने पौधे की उतारा करेंगे। माशाल्लाह, अभी हमें वो गमला नहीं मिल रहा बड़ा ना कहीं से। तो मैंने कहा हमने कहा अपने बहन भाई साथ शेयर करते हैं एलोवेरा की रेसिपी कह रही, सॉरी रेसिपी नहीं है, रेमेडी। तो चलो ठीक है जी, आपको लोगों को दिखाते हैं, हमारे साथ रहना। ये देखें जी, मैंने ना सारी कर ली है अलहदा और ये सारा कचरा पड़ा है। ये देखें, ये इसमें थोड़े थोड़े छिलके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो साथ ग्राइंड हो जाएंगे, उसकी कोई बात नहीं। अब मैं इसको किसी बोतल वगैरह में या किसी कंटेनर में सेव कर लूँगी, स्टोर करके। आप इसको जितने दिन चाहें रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। फ्रिज में आप इसको रखें, अगर फ्रिज के अलावा बाहर रखेंगे आप रूम टेम्परेचर पर, तो फिर ख़राब हो सकती है, लेकिन फ्रिज के अंदर नहीं खराब होगी। ये खराब नहीं होती है, तो जेल ही है ना। ये देखें,
तो ये करनी क्या है ये भी बताओ ना सबको। ये हेयर रेमेडी दे रही तो बालों में है, ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है और हेल्थ के लिए भी अच्छी है और ये हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छी है। यार मैं तो ऐसे ना इसको कार हो रही है। मम्मा को उलझन हो रही, मैं तो इसको बालों पे यूज करती हूँ। अभी मैं इसको कंटेनर में डालूंगी और फिर एलोवेरा जेल बना के कंटेनर में डाल रही थी, मुझे कोई मिल नहीं थे तो ये जैम वाली एक पड़ी हुई थी मैंने वो ले ली और जो थोड़ी बच गई थी वो मैंने इसमें डाल दी। और इस चक्कर में मुझे ये कट भी लग गया इतने ज़ोर से, यहाँ पे मेरे ना नाइफ वॉश कर रही थी तो मुझे नाइफ लग गई। बाय द वे आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरे साथ रहिएगा। कंटेनर में फ़िलहाल मैंने डाल ली है। ये थी जी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।